Hello class. In last class we learn about Indus Valley Civilization. इसका time period था 2500 BC से 1500 BC. Okay. उसमें हमने location और size के बारे में पढ़ा कि जो सिंधु घाटी सभ्यता से regarding जो हमें sculpture मोहरे जो मिली वो कहाँ कहाँ पर मिली थी और हमने उसकी artistic things के बारे में पढ़ा, traces of artistic thing के बारे में पढ़ा जिसमें उनका रहन सहन, वो कहाँ पर रहा करते थे, उनके घर कैसे थे, उनके गहने और जो भी वहाँ मटेरियल मिला वो कैसा था उसके बारे में हमने जाना था. और इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ थी वो थी ब्रॉन्ज कास्टिंग. ओके, उसके बारे में हमने पढ़ा कि उस टाइम पे लोग स्कल्पचर किस तरह से बनाते थे, वो किस टेक्निक का यूज़ करते थे, जैसे कि लोस्ट वैक्स प्रोसेस, और वो प्रोसेस कैसी थी हमने उसके बारे में पढ़ा. अब हम तीन फेमस स्कल्पचर के बारे में पढ़ेंगे. फर्स्ट वन इज मदर गॉडेस, डांसिंग गर्ल एंड मेल टोर्सो. ओके, सो दिस इज योर फर्स्ट स्कल्पचर, दैट इज मदर गॉडेस स्कल्पचर. ओके, ये जो स्कल्पचर है ये टेराकोटा में बना हुआ है. टेराकोटा बेक्ड क्ले, मतलब कि जो मिट्टी को पका कर स्कल्पचर बनाते हैं, जो मिट्टी से और उसको पका के जो करते हैं उसको हम टेराकोटा का स्कल्पचर बोलते हैं. ओके, इसका जो टाइम पीरियड है वो है 2500 BC. ओके, ये मोहनजोदाड़ो से मिला है जो कि अब नेशनल म्यूज़ियम न्यू दिल्ली में है. ओके क्लास, जो मदर गॉडेस है इसका जो थीम क्या था, अ टेराकोटा आइडियल ऑफ द फर्टिलिटी गॉडेस. इसमें टेराकोटा की बनी हुई एक मूर्ति यानी कि फर्टिलिटी गॉडेस देवी को दिखाया गया है. ओके, ये आपकी मूर्ति है, स्कल्पचर है ये आपका. ओके, ये टेराकोटा से बना हुआ है, ये एक लार्ज स्कल्पचर है. ओके, इस स्कल्पचर के अंदर इसके जो बालों के आसपास जो पेन लाइक अटैचमेंट बनी हुई है ये बहुत ही यूनिक है. इसमें पिंच नोज बनाई हुई है और जो ऑर्नामेंट्स हैं, ज्वेलरी है जो उनकी, वो बिल्कुल फ्लैट है, जिसको बॉडी के ऊपर गिरे हुए बनाया हुआ है. जिसमें फोक आर्ट का यूज़ किया है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है. इसने इस मूर्ति पे सिर्फ एक लोयन क्लॉथ यानी कि जो कमर पर सिर्फ कमर बंद ही डाला हुआ है और जो इसमें स्मॉल ब्रेस्ट को दिखाया गया है जो कि अनकवर्ड है. इसमें आइज़ को दर्शाया है जिसमें इन्होंने क्या किया था कि सिंपल क्ले से स्मॉल बॉल्स का यूज़ करके उनको बनाया. जो मोहनजोदाड़ो के जो स्कल्पचर थे वहाँ पे आर्ट का एक अच्छा सा कौशल नज़र आता है. ओके, जो इस टाइम के स्कल्पचर थे वो रियलिस्टिक थे और स्टाइलिस्टिक थे. ओके क्लास, द स्कल्पचर ऑफ मदर गॉडेस एंड वेरियस अदर गॉडेस मीन्स जो स्कल्पचर हमें इस टाइम के मिले थे, जैसे कि ये मदर गॉडेस का स्कल्पचर है और इसके अलावा जो भी मदर गॉडेस के स्कल्पचर थे उनकी उस टाइम पे लोग पूजा किया करते थे एज अ फर्टिलिटी ऑफ अ प्रोस्पेरिटी, उपजाऊ और समृद्धि के रूप में. इंडिया एक ऐसी कंट्री है जहाँ पर 80% से ज़्यादा लोग जो कि किसान हैं वो इन गॉड और गॉडेस की पूजा करते हैं. ओके, ये जो है मूर्ति ये एक तरह का एग्जाम्पल है उस वन सच टाइप ऑफ अ गॉडेस. ओके, उन गॉडेस की जैसी मूर्तियाँ होती थी उसके उसके जैसा ही ये एक एग्जाम्पल है. ओके क्लास, हेयर इज योर सेकेंड स्कल्पचर, दैट इज डांसिंग गर्ल, जो कि ब्रॉन्ज में बना हुआ है. इसका टाइम पीरियड है 2500 BC. ये हमें मोहनजोदाड़ो से प्राप्त हुआ और ये अब नेशनल म्यूजियम न्यू दिल्ली में है. ओके, जो इसका सब्जेक्ट मैटर है वो है अ स्मॉल ब्रॉन्ज स्टैचू ऑफ अ डांसिंग गर्ल. ओके, इसमें क्या है, एक ब्रॉन्ज से बना हुआ स्टैचू दिखाया गया है जो कि डांसिंग गर्ल है. ओके, इसमें जो है एक ब्रॉन्ज स्टैचू दिखाया गया है जो कि हाइट में 4 इंच का है. फिर भी जो है इसके अंदर जो कास्टर है, मतलब कि जो स्कल्पचर बनाने वाले हैं, उनके जो कौशल है उसका अच्छे से पता चलता है. ये इतनी अच्छी तरह स्कल्पचर बनाया गया है. ये जो वर्ल्ड फेमस फिगर है इसके अंदर फीमेल फिगर को दिखाया हुआ है जो कि त्रिभंगा पोज में है. जैसे कि कोई भी एक डांस करने के बाद एक रिलैक्स मोड में खड़े होते हैं, इसको उस तरह से दिखाया गया है. ओके, इसमें जिसका राइट हैंड है,
वो रेस्टिंग फॉर्म में दिखाया गया है, जो कि उसकी हिप पर रखा हुआ है, और जो उसका लेफ्ट हैंड है वो पूरी तरह से बैंगल के साथ कवर है, और वो उसकी लेफ्ट लेग जो कि आगे की बड़ी है उस पर उसने हाथ रखा हुआ है। जो उसका हेड है वो स्लाइटली टिल्ड है, और जो उसके हेयर हैं वो पूरी तरह से रिबन के साथ टाइटन उसने क्लोज बंद किए हुए हैं। जो उसकी आइज हैं वो क्लोज हैं, और जो उसकी नेक है यानी जो उसकी गर्दन है वो पूरी तरह से शेल नेकलेस के साथ कवर की हुई है, और जो उसकी आर्म्स और जो उसकी लेग्स हैं वो मतलब ये जो स्कल्पचर है वो इतनी सिंपल सिटी में बनाया हुआ है, बट जो उसकी उसकी आर्म्स और लेग्स हैं वो कहीं ना कहीं डिसप्रोपोर्शनट लगती हैं, कि मतलब प्रॉपर प्रोपोर्शन में नहीं बनाई गई हैं। इसमें नेगोरेट फिक्चर्स को दिखाने के लिए डार्क मीडियम का यूज़ किया गया है। ये जो मूर्ति बनाई हुई है ये किसी भी पर्टिकुलर फीमेल फेस से नहीं मिलती जुलती, ओके। जो इसमें लिप्स और नोज़ हैं वो काफ़ी थिक हैं एंड द एलोगेट लंबे हैं। जो उसकी हाफ क्लोज आइज़ है वो एक लाइमस्टोन बस्ट ऑफ हाई प्रिस्ट जैसी है, जो कि एक अनदर एग्जाम्पल अनदर स्कल्पचर है इंडस वैली सिविलाइजेशन का, ओके। और जो ये चित्र है जो सॉरी ये जो स्कल्पचर बना हुआ है ये जो स्कल्पचर बना हुआ है इसमें डिटेल काफ़ी कम की हुई है, एक्सेप्ट मतलब कि जैसे कि बहुत कम की हुई है, जैसे कि स्मॉल ब्रेस्ट को दिखाया गया, कर्व्ड वेस्ट और बेयर ग्रोइन को शो किया हुआ है। ये जो फिगर है मतलब माना जाता है कि जो फिगर है ये डिवोटेड है विद द पावर ऑफ फर्टिलिटी ऑफ वूमेन को, ओके क्लास। नाउ वन मोर फेमस स्कल्पचर इज मेल टॉर्सो। जो पहले के तो हमने अभी तक स्कल्पचर पढ़े हैं वो दोनों हमें मोहनजोदाड़ो से मिले थे, लेकिन जो मेल टॉर्सो स्कल्पचर है ये टेराकोटा रेड लाइमस्टोन में बना हुआ है, ओके। वो लाइम इसका टाइम पीरियड सेम है 2500 BC, बट वो मोहनजोदाड़ो से मिले थे, और जो ये वाला स्कल्पचर है ये हमें हड़प्पा में मिला, ओके। और ये अब ये भी नेशनल म्यूजियम ऑफ न्यू दिल्ली में है क्लास। इसका जो थीम है वो है अ रियलिस्टिक मेल टॉर्सो, मीन्स इसमें एक मेल फिगर को शो किया हुआ है, रियलिस्टिक फिगर को शो किया हुआ है। ये मतलब एक स्टोन कार्विंग करके प्रॉपर एक थ्री डायमेंशियल फिगर बनाई हुई है, ओके क्लास। इसमें एक प्रॉपर मस्कुलर फिगर को दिखाया हुआ है, इसकी जो इसमें जो डिटेल की हुई है वो बिल्कुल ही रियलिस्टिक ह्यूमन फिगर जैसी है। इसका जो चेस्ट और जो स्टमक है उसमें परफेक्ट शेप दी हुई है, उसमें ऐसा लगता है कि प्रॉपर जो ब्रेथ होती है वो जो ब्रेथ है उसकी राउंडेड बैली में वो पूरी तरह से शो हो रही है। इसकी जो नेक एरिया है वहाँ पर आपको एक होल दिखाया गया है, जिसको हम देख के लगता है कि उसमें एक हेड भी ऐड हो सकता है और उसमें मल्टीपल हेड भी ज्वाइन हो सकते हैं, अटैच कर सकते हैं उसमें। जो उसके शोल्डर हैं वहाँ पर भी दो ड्रिल दिखाई गई हैं, ओके। जो इसकी स्कल्पचर के अंदर जो इसकी आर्म्स हेड और लेग्स हैं उनको वो ब्रोकन है, मतलब बिल्कुल उसमें नहीं बनाई गई, टूटी हुई दिखाई गई हैं। ऑफ बॉडी किस तरह से उसने बॉडी की जो स्टडी की हुई है उसकी मास्टरी उस स्कल्पचर में पूरी तरह से शो होती है, नज़र आती है, ओके क्लास। गुड बाय क्लास।